बोलने का अधिकार है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का अधिकार है, वो सारे के सारे रास्ते कौन बंद करना चाहते हैं? वो लोग बंद करना चाहते हैं जिनके माइंड में दिमाग डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, जो डेमोक्रेसी से चलना ही नहीं चाहते, जो कब्जा करना चाहते हैं। दे आर वेरी वेरी डेंजरस। ये बातें बहुत खतरनाक है। तो असली आतंकवादी कौन हुआ? एक आतंकवादी उसको कहते हो जिसने एक आदमी को गोली मार दी, और एक आदमी अपने जुबान से वो बाण छोड़े जिससे पता नहीं कितने लोग आतंकवादी बन के एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए। देश में नंगा नाच भ्रष्टाचार का भी और शासन मानसिकता तभी तक रहेगी जब तक देश के लोग 140 करोड़ इस बात को भली बात ही नहीं समझेंगे कि हम हैं इस देश के मालिक और हमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, और इसलिए उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। और पार्लियामेंट भी गलती करे तो ये देश नपुंसक नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के खिलाफ भी, देश के ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी और देश की जुडिशरी के खिलाफ भी, तीनों अंगों पर ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ जहाँ गड़बड़ हो दिन रात देखना चाहिए, कोई खुदा नहीं है। कोई भी कानून हो और चाहे कोर्ट का फैसला हो, हर एक के रिजल्ट में उसका रिजल्ट ये आना चाहिए देश में भाईचारा बढ़ना, देश में भाईचारा होना चाहिए। मगर क्या हुआ, एक हाई कोर्ट का फैसला आता है और मणिपुर में आग लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फैसला करने वाले जो लोग थे उनसे कोई भूल हुई है, उनको पता होना चाहिए इतना सेंसिटिव मैटर में किस तरह का फैसला करना है जिससे कि देश में आग ना लगे, देश में भाईचारा बना रहे, किसी भी बात के लिए कोई माहौल बनाया जाए और जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बात करके तभी कोई काम आगे बढ़ाया जाए। घर में भी अगर सबकी राय नहीं ली जाएगी तो घर में भी शांति नहीं होती, घर में विस्फोट होता है, परिवार में होता है, समाज में होता है, गांव में होता है, शहर में होता है, दो समाजों के बीच में होता है। तो ये आग लगी नहीं, ये लगाई हुई आग है। और लगाने वाले कौन जिम्मेवार हैं इस वक्त, एक्स वाई जेड कोई भी हो, हमें उसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों की बपोती नहीं है ये देश और ना ये डेमोक्रेसी कि कोई आज बीजेपी है, कोई कांग्रेस है, कोई और समाजवादी है, कोई एक्स वाई जेड कोई भी है, पार्टियों का कोई लेना देना नहीं और नेताओं का भी कोई लेना देना नहीं कि आज कोई पीएम है, कोई सीएम है, इन बातों में नहीं जाना हमारे को। हमें जाना है जो व्यवस्था में भागीदारी करने की जिम्मेवारी जिन लोगों को दी थी वो उस वक्त काम नहीं कर पाए तो वो दोषी हैं, और ऐसे लोग अयोग्य हैं जहाँ पर बैठे हुए हैं जो जिम्मेवारी उनको दी हुई है। अब इतने दिन से सुप्रीम कोर्ट ने पहले बीच में एक बार कहा था भाई आप क्या कर रहे हैं, नहीं हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। अरे भाई इंटरवीन करना क्या पड़ेगा, वहाँ मारे जाते हैं, औरतें नंगी घुमाई जाती हैं, इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात होगी। जो सरकारें या जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं जो थकते नहीं सब सभ्यता संस्कृति की बात करते हुए, भारतीय मूल्यों की बात करते हुए, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हुए, इसके तो लेस मात्र काम करते नहीं, कहना कुछ करना कुछ होना कुछ। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे मौके पे नज़ाकत वाले मामले हैं जहाँ लाखों की संख्या में लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी जान माल को की रक्षा का मामला है, जहाँ सारा का सारा सिस्टम फेल हो गया है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट को पेंडिंग वो केस को रख के और डे टू डे हियरिंग नहीं तो डे टू डे रिपोर्टिंग जरूर सरकार से लेनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ये बच के नहीं भाग सकती कि हमारे पास टाइम नहीं, हम इसको नहीं सुन सकते। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सबसे पहले तो उनकी जिम्मेवारी देश का संविधान बचाना, संविधान के हिसाब से देश में काम हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर देश में संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा तो समझो सुप्रीम कोर्ट और देश की हाई कोर्ट दोषी हैं, अपराधी हैं। ये हमें ध्यान आता है, यही समझ निकलते हैं। देश में जितना भ्रष्टाचार बढ़ता है, देश में जितनी तानाशाही बढ़ती है, उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी अगर किसी की है, इस देश के जुडिशल सिस्टम की जिम्मेवारी और खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जिम्मेवारी है जिनको हमने इतनी पावर दी हुई है, जिन जजों को हटाने की हिम्मत नहीं, इतना सख्त कानून है। अगर मान लो उनको हटाने वाला भी, हटाने वाले और हटने वाले दोनों ही अगर शामिल हो जाएं तो देश तमाशा देखता रहेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी में जनता नियुक्ति नहीं हो सकती, नपुंसक नहीं हो सकती, कोई कर नहीं सकता। तो लोगों को खड़ा होना होगा उस वक्त। जनरल बॉडी अगर कोई है तो इस देश की है। जैसे सोसाइटी में जनरल बॉडी होती है, पदाधिकारी ना काम करें, उनके खिलाफ कोर्ट में जाएं, पुलिस में जाएं, कहीं और जाएं, कोई उस एक्शन ना ले, देन जनरल बॉडी मस्ट टेक ओवर। लोगों को अपना, इसीलिए जो लोगों का इकट्ठे होने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का अधिकार है, वो सारे के सारे रास्ते कौन बंद करना चाहते हैं? वो लोग बंद करना चाहते हैं जिनके माइंड में दिमाग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं है, जो डेमोक्रेसी से चलना ही नहीं चाहते,
जो कब्जा करना चाहते हैं, कब्जे की मानसिकता कोई भी हो, एक्स वाई जेड, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई भी मानसिकता जो भी है, उसका उसकी आलोचना भी बनती है और उन सब का इलाज भी बनता है, और देश के लोगों को वो करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे केस है नीट का एग्ज़ाम का मामला है, वहाँ करोड़ों लोग शामिल है उसमें, 22-23 लाख तो बच्चे हैं जो पेपर देने वाले थे, उनके भाई बहन हैं, परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे नीचे के जो लड़के नहीं तैयारी हैं 11वीं में जो पढ़ते हैं उनके ऊपर क्या ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, और जो लोग पहले से दाखिले ले चुके चोरी चकारी से, दूसरे लोगों में कितनी पीड़ा उनके प्रति भी, तो देश में क्या हो रहा है। तो ऐसे केसों में आप तारीख नहीं लगा सकते, तारीख लगाना देश का अपमान है, आपको सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए, ये देश के लोगों की तरफ से एज ए सिटीजन में ये बात कर रहा हूँ कि भाई कम से कम आपको सैटरडे संडे भी सुनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब किसी की जान बचाने के लिए भी सैटरडे संडे को रात को कोर्ट लग सकती है, वाई नॉट। इतने इंपॉर्टेंट जहाँ करोड़ों लोगों में टेंशन है, दिन रात सो नहीं पा रहे देश के लोग, मेजोरिटी का मामला है, वहाँ एक आप इंडिविजुअल आदमी को इग्नोर कर सकते हैं, सिविल मैटर है कोई एक आदमी का वो है, जहाँ लोगों की लाइफ और लिबर्टी का मसला है वहाँ पे इग्नोर करना वो सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का किसी का भी। तो देश में जब जब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्टें कमज़ोर होती हैं, कोर्टें कमज़ोर नहीं होती, बिल्डिंग कमज़ोर नहीं होती, उसके अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो किसी भय से या लालच से अगर कहीं से वो कंट्रोल होते हैं या कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है, दैट इज़ क्राइम अगेंस्ट द पीपल ऑफ दिस कंट्री, वो इस देश के लोगों के साथ अपराध है। तो मणिपुर में जो हो रहा है हम उसकी भर्त्सना करते हैं, और मणिपुर के मामले को सुप्रीम कोर्ट हमारे हिसाब से जिस हिसाब से चल रहा है मामला वो पर्याप्त नहीं है बिल्कुल भी, और अपने देश के लोगों को हम इस तरह नहीं छोड़ सकते मर्सी पे, सरकार की या ब्यूरोक्रेसी की मर्सी पे, उनको करना होता तो वहाँ गड़बड़ी नहीं होती। तो इस देश के हालात ये हो गए हैं सत्ता पे कब्जा जमाए रखने के लिए, उसमें कोई भी पीछे नहीं है, वो इस देश को जातियों में, रिलीजन में, भाषा में, एरिया में, आदिवासी नॉन आदिवासी, अछूत नॉन अछूत, अगड़े पिछड़े, पता नहीं क्या क्या करके बांटने काम करते हैं। और देश में टेररिस्ट एक्ट किसको बोला जाता है, जो इस देश की अखंडता एकता के खिलाफ काम करे वो काम टेररिस्ट एक्ट माना जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है कि टेररिस्ट कौन हुआ, वो टेररिज्म माना जाता है इस तरह के काम, पर टेररिस्ट कौन है जो इस तरह का काम करता है। तो इस तरह के काम में तो ज़्यादातर पॉलिटिशियन भी शामिल हैं जो दिन रात देश को हिंदू मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन या एक्स वाई जेड कुछ भी या जाति में बांटने का काम करते हैं, दे आर वेरी वेरी डेंजरस, ये बातें बहुत खतरनाक हैं। तो असली आतंकवादी कौन हुआ, एक आतंकवादी उसको कहते हो जिसने एक आदमी को गोली मार दी और एक आदमी अपने जुबान से वो बाण छोड़े जिससे पता नहीं कितने लोग आतंकवादी बन के एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएं, वो बड़ा आतंकवादी कौन है। तो इसलिए इस देश का कोई भी नागरिक ना आतंकवादी है, ना नक्सलवादी है, ना कोई गरीब है, लोगों को गरीब बनाया जा रहा है, कोई गरीब नहीं है, कोई बेकार नहीं है, बेकार बनाए जा रहे हैं, लोगों की मेहनत और पसीने की कीमत पे लूट मची है, और जो लूटने वाले हैं वो सरकारों के समर्थन से लूटते हैं, और जब वो लूटते हैं तो इसलिए असमानता बढ़ती है, आर्थिक असमानता या सामाजिक असमानता या फलाना, अस्तित्व में कोई ऐसा जुगाड़ कोई ऐसा सांड नहीं है, मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, जो लोगों में असमानता पैदा करता है या जो लोगों को भेजता है कि तुम गरीब रहोगे, तुम फलाना रहोगे, ये सारे के सारे कुकर्म मानव जाति के खुद के हैं, वो रीति रिवाज के रूप में हों, वो कथा कहानियों के रूप में हों, वो चाहे कानूनों के रूप में हों, सारी बदमाशी मानव जाति करती है, और मानव जाति में भी वो लोग जो शासन मानसिकता से ग्रस्त होते हैं वो मानव जाति पे अपराध करते हैं, वही सबसे बड़े आतंकवादी हैं, वही नक्सलवादी हैं, इस देश के लोग नहीं जो जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं, जो हकों की बात करना चाहते हैं, वो अर्बन नक्सलाइट नहीं, वो शहर में पढ़े लिखे लोग आम आदमी आ गए शहरों में, वो बात जो जंगल में उठती थी वो अगर शहर में उठने लग जाए तो अर्बन नक्सलाइट, व्हाट नॉनसेंस। इस देश के लोगों को अपराधी घोषित करोगे, अपराधी बनाना चाहते हो, खुद को अपने आप को समझदार और संरक्षक मानते हो इस देश का, और इस देश के बच्चों को, इस देश के युवाओं को, इस देश के पत्रकारों को आप अपराधी घोषित करना चाहते हो, ये बदमाशी है, ये अन्याय है, ये देश के साथ धोखा है, गद्दारी है। और साथियों एक आपके मुद्दे पे मैं आना चाहता हूँ अभी लगे हाथ, सोशल मीडिया पे भी हमने बात करनी थी, सोशल मीडिया के जरिए इस देश का अगर किसी ने साथ दिया है हकीकत में तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके खिलाफ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था और बंद करने देनी चाहिए थी उनकी वो एडवर्टाइजमेंट
कि पैसा जो उनको मिलता है जिसमें वो करोड़ों करोड़ों रुपए लेके ऐश कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और सरकार के गुणगान करके भांड बने हुए हैं सरकार के भांडगिरी करने के लिए इस देश का मीडिया थोड़ा है। जो अंडर आर्टिकल 19 में जो अधिकार मिला है राइट टू एक्सप्रेशन का, उसी के अधिकार के तहत आप काम करते हैं। वो देश के लोगों का अधिकार है, उस अधिकार का आप सदुपयोग करते हैं तो आप देश का मीडिया है। उसका अगर दुरुपयोग करते हैं अपना पैसा बढ़ाने के लिए या किसी की सरकार बनाने के लिए, किसी को बदनाम करने के, देन आप आतंकवादी हैं कोई भी मीडिया वाला। तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने देश के साथ धोखा किया है और उसी मेन स्ट्रीम ने मीडिया ने इस देश के पैसा, जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा, इस देश की जनता का पैसा है, वो खा के जनता के साथ धोखा किया है। तो सोशल मीडिया ने साथ दिया है देश की जनता का, सोशल मीडिया ही इस देश का असली मीडिया है। तो सोशल मीडिया ऑफ इंडिया करके हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उसमें काफ़ी जाने माने वकील उसमें पैटर्न है, आप सब लोग उससे जुड़िए ताकि इस देश के मीडिया की जुबान कोई रोकने की हिम्मत ना कर पाए। क्योंकि राइट टू एक्सप्रेशन बचेगा, संवाद बढ़ेगा, सही काम होंगे और वही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट सड़क बनाने से नहीं कि सड़क पर चलते हुए फिर डर लगे, थाने बनाने से नहीं कि उस थाने में जाने से लोग डरें, हवाई जहाज बनाने से नहीं कि उसमें बम फटने का डर हो। जब तक भाईचारा नहीं होगा, जब तक आपकी पॉलिसी, आपका कानून, आपका आचरण भाईचारे को बढ़ावा देने का नहीं होगा तो आप देशद्रोही हैं, कोई भी है उसमें, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो। मेन स्ट्रीम मीडिया ने धोखा दिया है, धोखेबाज है, देशद्रोही मीडिया है और उनका सारा का सारा अगर दम होता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को यूज करते हुए वो लोग करते तो हिम्मत नहीं। सुप्रीम कोर्ट इतने नज़दीक है, हाईकोर्ट दिल्ली में है, अगर ये लोग मजबूती से काम करें, बिना डर बिना भय के काम करें या ऐसे सक्षम लोग हों तो लुटियन जोन में लूट नहीं मच सकती। जो लुटियन जोन में जो गड़बड़ होती है, जहाँ ठेकेदारी पैसे का विशेष साइकिल, तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें टिकट दूंगा, जनता को तुम पैसे लो शराब पियो तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, कर्जा माफ करूंगा, ये विशेष साइकिल है। इस देश को और गरीब बनाया जा रहा है। लानत है इस देश पे कि 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन के भरोसे रहना पड़ रहा है या जरूरत है भाइयों को, ऐसे बहन भाइयों को, वो अक्षम नहीं है। 80 करोड़ को ध्यान इस बात पे देना है कौन सी ताकतें, कौन से कानून, क्या षड्यंत्र चल रहा है कि हम इसे बाहर नहीं निकल पा रहे। हम निकलना चाहते हैं, हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी काम करता है, ऐसे तो बहुत मुश्किल से करते हैं चुराहे पे आके, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी चुराहे पे ऐसे करने वाले लोग, लानत है ऐसी व्यवस्था पे जो देश में सुप्रीम कोर्ट के सामने वाले चुराहे पे भी लोगों को ऐसे भीख मांगनी पड़ रही है। व्हाट आर यू डूइंग, वहीं से सुप्रीम कोर्ट के जज भी निकलते हैं, क्या कर रहे हो भाई, क्या देख रहे हो, क्या फिर ये कोर्टों का फायदा क्या है। हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं रोक सकते और एक समाज को तो हमने परमानेंट भिखारी बना दिया इस देश में, दैट इज़ नॉन सेंस ऑन आवर, हमारे मूल्यों में भी वो है चोट। जो समाज जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं वो शब्द, अगर गलत ना हो मैं इसमें किसी, उसमें भाई आगे वंश बढ़ाने की ताकत ही तो नहीं होगी, एक ही तो डिफॉल्ट होगा, बाकी तो नहीं है। वो उतने इमोशनल है, उतना ही दिमाग है, उतनी समझ है, उतनी भागीदारी करना चाहते हैं इस देश में, उनको आपने परमानेंट वो बना दिया। पुराने राजे महाराजों ने बनाया था इनको ऐसे कि अपने अवैध और कुकृत्यों को छुपाने के लिए अपनी हजारों हजारों सैकड़ों बीवियों को सुरक्षा में रखने के लिए, उनको बंद रखने के लिए, एक तरह से कैदी रखने के लिए निचड़ों का इस्तेमाल करते थे। आज हमारे इतने बड़े समाज को, लाखों की संख्या में इस देश में है वो समाज, ये बहुत अमानवीय काम है कि उनको भीख के सहारे रहना पड़ रहा है। वो तो बहुत प्रोडक्टिव आदमी हैं, बहुत नया सोचते हैं, बहुत योगदान दे सकते, व्यवस्था नहीं है। तो देश में सरकार नहीं, संविधान व्यवस्था चाहता है, व्यवस्था में भागीदारी के लिए सारे पद हैं, कोई एक पद है तो इसका मतलब वो बड़ा नहीं है। इस देश में प्राइम मिनिस्टर सीएम की चलने की कोई बात नहीं है, कैबिनेट की चलने की बात है। सबको मिलके सामूहिक फैसले लेने का हमारे यहाँ सिस्टम है डेमोक्रेसी में। कोई एक आदमी ये सोचे और वो बार बार हमें ही रहना है, दूसरे को रहने नहीं देना, चाहे आलोचना करो, किसी को जेल में डालो, किसी को बदनाम करो, ये डेमोक्रेसी नहीं कहती। डेमोक्रेसी लोग बार बार सबकी भागीदारी, सबको मौका मिलता रहे और खाली MLMP जो बने वही भागीदारी भी करें, हर जगह भागीदारी सुनिश्चित हो। छोटे से छोटे थाने में भी, क्या थाने वाले कभी उस एरिया के लोगों को बुलाते हैं क्या कि इस हल्के में चोरी हो रही है, कुछ और हो रहा है, क्या कभी SDM लोगों को बुलाता है, क्या DC बुलाता है? इन लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं सिस्टम ने,
और ये इसी वजह से होता है, ऊपर जो बैठे हैं लोग उनकी मानसिकता में शासन है तो वो नीचे तक आता है, भ्रष्टाचार ऊपर है तो नीचे तक आता है। इसलिए देश में नंगा नाच भ्रष्टाचार का भी और शासन मानसिकता तभी तक रहेगी जब तक देश के लोग 140 करोड़ इस बात को भली बात ही नहीं समझेंगे कि हम हैं इस देश के मालिक और हमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और इसलिए उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। और पार्लियामेंट भी गलती करे तो ये देश नपुंसक नहीं हो सकता, पार्लियामेंट के खिलाफ भी, देश के ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी और देश की जुडिशरी के खिलाफ भी, तीनों अंगों पे ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ जहाँ गड़बड़ हो दिन रात देखना चाहिए, कोई खुदा नहीं है जो कोर्ट में बैठे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा है। इसलिए नज़र रखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसले दे रही है, क्यों दे रही है, हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, लोगों को जमानत कैसे मिल रही है, किनको मिल रही है, किन लोगों के साथ, किसको जल्दी मिल रही है जमानत, किसको नहीं मिल रही है, सब चीज़ों पर ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा ध्यान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पर रखिए ताकि देश जागरूक हो सके